नमस्कार, वॉइस ऑफ एशियंस के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपसे मिलवाएंगे एक ऐसी पर्सनालिटी को जिन्होंने बचपन से ही सपना देखा कि पूरे देश के लोगों को अच्छी सेहत दी जाए और उनके चेहरे पर चमक हो, हड्डियां मजबूत हों। यानी कि बचपन से ही नेचुरोपैथी और योगा के साथ संबंधित हैं वो, और अब लाखों लोगों की सेवा में हर टाइम डटे रहते हैं। मेरी मुराद है आचार्य डॉक्टर लोकेश शर्मा जी से, जो आज हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक सबसे पहले जानना चाहेंगे आप कहाँ से हैं, कहाँ स्कूलिंग हुई, कहाँ एजुकेशन हुई, फिर आप किस प्रोफेशन में पहुँचे। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू जी, आपका सेटअप सिस्टम बहुत अच्छा लगा, आपकी पर्सनैलिटी बहुत कैची है, बहुत मैच करती है इवन डॉक्टर्स को। थैंक यू। कई बार मैंने लोगों से सुना भी है कि आप कुछ उनको बता देते हैं टोटका और वो काम कर जाता है। जी जी जी, ये जो आपने विश्वास और नाम कमाया है वो काम कर रहा है सर। बिल्कुल, थैंक्स अ लॉट। मेरा जन्म यहाँ लुधियाना से थोड़ा दूर का है, नाभा से है जी, और मैं एक राजवैद्य परिवार से हूँ। दादा परदादा सभी इसी प्रोफेशन में ही थे जी। और बहुत ग्रेसफुली मैं बहुत छोटी उम्र से, 4.5-5 साल की उम्र से अपने बुज़ुर्गों के साथ बैठ के वो पल्स फील करना, पेशेंट्स को देखना जी, वो चीज़ें बाय द टाइम वो आपके है ना सिस्टम में आ जाती हैं। बिल्कुल जी, कैसे देखना, डायग्नोज करना, आजकल वो चीज़ें लैक हो रही हैं जी। और उसके बाद क्योंकि ये सिस्टम में था, उसके बाद धीरे धीरे आते आते समा चेंज हुआ, हम लोग बड़े हुए, मेडिको क्योंकि दिल में ही था जी, थ्रू फार्मेसी मैं सिस्टम में एंटर हुआ जी। फार्मास्यूटिकल साइंसेस में मेजर करने के बाद कुछ साल में इंडस्ट्री में रहा, वहाँ पे रिसर्च का काम हुआ जी, कुछ मेडिसिंस में रिसर्च करी पेशेंट पे, डिजीजेज पे। कुछ साल चेन्नई रहने का मौका मिला जी, जहाँ मुझे नेचुरोपैथी के गुरु मिले। वहाँ पे आते आते इंटरेस्ट इतना बन गया कि टोटली मैं योग और नेचुरोपैथी को डेडिकेट हो गया, और 2012 से तो फुल टाइम ही ये शुरू हो गया जी। करीबन 5 साल से तो हम लोग भी बिल्कुल मिल रहे हैं। बिल्कुल सही है। और सबब देखिए कि इस सिटी में आके ये पता लग रहा है कि लोगों को बहुत इंटरेस्ट है। कई अच्छे बड़े हॉस्पिटल सिर्फ लुधियाना वाले के सर पे ही चल रहे हैं, दिल्ली में, पालमपुर में, केरल में, बैंगलोर में। बिल्कुल, अच्छे अच्छे योग नेचुरोपैथी के सेंटर्स हैं वहाँ। हम लोग देखते हैं पंजाबी ही जा रहे हैं, NRI पंजाबी जा रहे हैं, और जो हेल्थ इश्यूज हैं ना वो हम लोगों को ज़्यादा है। तो डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम बात करें हेल्थ इश्यूज की, योग की बात करें, दर्शकों को कुछ आपकी तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें आपने अलग अलग जगह अलग अलग एक्टिविटीज़ की है, तो आइए दर्शकों चलते हैं। Thank you.
और दर्शकों आपने देखा कि कितनी जगह डॉक्टर लोकेश शर्मा जी ने अपनी एक्टिविटीज़ की और कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचाया। तो डॉक्टर साहब अब दर्शक ये जानने के लिए बहुत उत्सुक होंगे कि नेचुरोपैथी से किन किन प्रॉब्लम्स को कैसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। प्लीज़, बहुत अच्छा सवाल है और ज़रूरी सवाल है जी। एक मंत्र देता हूँ आप सबको, वो याद कर लीजिए, नेचुरोपैथी वहीं से शुरू होता है, मिट्टी पानी धूप हवा सब रोगों की एक दवा। क्या बात, जिस तरह से नाम है नेचुरोपैथी, ये नेचर से बना है। महात्मा गांधी पहले नेचुरोपैथिक हीलर थे इंडिया के जी, और ये बहुत पीछे अगर हम लोग जाते हैं 17वीं सदी से इसका हिस्ट्री से आता है। US में जी और जर्मनी में कुछ डॉक्टर्स ने मिलके किसी इंडियन डॉक्टर को बुला के कुछ टेक्निक शुरू करी, उनका नाम उन्होंने रखा नेचर क्योर जी। वो नेचर की ओर धीरे धीरे बनते बनते नेचुरोपैथी बन गया। उसमें कुछ आयुर्वेद के डॉक्टर्स, कुछ होम्योपैथी के डॉक्टर्स का जिक्र आता है जी। सबसे पहले उन लोगों ने शुरू किया, जिस तरह से वो पुराने टाइम पे हमाम्स होते थे, गर्म पानी के झरने फवारों में लोगों को नहाना शुरू करा। हम लोग जिसको बोलते हैं कि टकोर कर लो, है ना, नमक फटकड़ी के पानी की। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें वो बहुत अच्छा पेन मैनेजमेंट का काम हुआ। बालू जो रेत होती है उसकी टकोर, है ना, पोटली में लगा के जी, नमक और बालू मिला के घुटनों पे लगाना, कमर पे लगाना, वो चीज की इफेक्टिवनेस आई। अगली चीज आई हवा की जी। हम लोगों में पांच तत्व है ना, सबको पता है पांच तत्व का शरीर है। हाँ जी। पांच तत्वों में सबसे पहला तत्व है पृथ्वी, जो मैक्सिमम हम सब लोगों में है जी। कमर तक पृथ्वी तत्व है, हम लोग बैठे हैं धरती में, पृथ्वी तत्व है जी। हमारा यूरिनरी सिस्टम अप टिल किडनी, वो पता है वहां पे पानी है, वो वाटर है बिल्कुल। उसके बाद जो पेट है, जठर बोलते हैं, जठर अग्नि है ना, डाइजेस्टिव जूसेस हैं, वो अग्नि है, वो उसमें फायर है जी, उसमें जूसेस हैं सारे, और वो हमारा अग्नि पार्ट है जी। हृदय से वायु शुरू हो जाता है जी, और ये ऊपर से, सर के ऊपर से आकाश तत्व। अब जो बहुत पहुंचे हुए संत हैं जी, उन लोगों में मैक्सिमम फर्क क्या होगा, हम लोगों में अर्थ मैक्सिमम है, देखिए कमर तक हम धरती में हैं, और उन लोगों में अर्थ नहीं होता है ज्यादा, उनमें आकाश तत्व ज्यादा होता है जी। तो इसमें कुछ एक्सरसाइजेज हैं, योग है ना, वो तो है ही है। साथ में अगर हम लोग जो फाइनल और फर्स्ट पार्ट है नेचुरोपैथी का, वो है डाइट जी। जहाँ से नेचुरोपैथी शुरू होती है, बी योर ओन डॉक्टर जी। सबसे पहले आपको डाइट प्रिकॉशन सीखने हैं। आजकल तो डाइटिशियंस का ट्रेंड आ गया बिल्कुल जी, बिल्कुल। लेकिन ये शुरू हुआ है आयुर्वेद या नेचुरोपैथी से, और डाइट में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आयुर्वेद से ही लिया गया है। वात पित्त और कफ आपने जरूर सुना होगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। वो पार्ट लैक कर रहा है कहीं ना कहीं, डाइटिशियंस को भी नहीं पता है उन चीजों के बारे में। लेकिन लोग अगर ये जानेंगे कि मैं वात हूँ, मुझ में वायु ज्यादा है, जोड़ों में दर्द होता है, बाल मेरे रफ हैं, नींद नहीं आती है, वहम रहता है, स्किन ड्राई है जी, जितनी भी क्रीम लगा लो वो ठीक नहीं होगी, ये वायु के विकार हैं बिल्कुल। अगला है पित्त, गुस्सा आता है, बीपी बढ़ता है, सर दर्द रहता है जी, चमड़ी की एलर्जी रहती है ना, बार बार यूरिन इन्फेक्शन होते हैं, पीलिया हो गया, अलग अलग इन्फेक्शन हो गए, वो पित्त है। अगला है कफ, जो अभी सीजन चल रहा है जी, मोटे लोली पोली बच्चे, गोरे गोरे लोग, है ना, ये कफ वाले हैं सारे। बस इस तरह से सेग्रीगेट करके, इसी तरह से खाने में सेग्रीगेशन है वात पित्त कफ की जी। किसी भी अच्छे डॉक्टर को, आप किसी को भी अच्छे को नाड़ी दिखा के किसी भी टाइम वात पित्त कफ नहीं बॉडी आप चेक करा के एक डाइट चार्ट ले सकते हैं, वो दवाई की तरह काम करता है। इंस्टेड आप केमिकल यूज करें, है ना, दवाइयां खाएं ज्यादा, उसकी बजाय अगर आप किसी डॉक्टर को, वैद्य को दिखा लें जी, वो चीज काम करती है। तो और किस तरीके से इलाज करते हैं जब आपके पास पेशेंट आता है? देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट तो पेशेंट यहाँ पे बहुत लास्ट स्टेज में आता है जी। नेचुरोपैथी या योग प्रिवेंटिव केयर में भी काम आता है कि रोग आए ही ना, सेकेंडरी केयर में भी काम आता है, हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक हो गया, घुटने खराब हो गए। लेकिन अभी तक यहाँ पे ऐसे बड़े सेटअप नहीं है कहीं पे भी कि वहाँ पे पेशेंट को एडमिट कराना पड़े, इसलिए मजबूरी में उसको हॉस्पिटल में ही भेजना पड़ता है बिल्कुल जी। थर्ड इज टर्शरी केयर, उसका हार्ट अटैक के बाद ऑपरेशन हो गया, उसके बाद रिहैबिलिटेशन जो पार्ट है ना जी, जी, वो नेचुरोपैथी योग में बहुत अच्छा है, दोबारा अटैक ना आए बिल्कुल, दोबारा लकवा ना हो, घुटने एक बार ठीक हो गए हैं, ऑपरेशन चाहे नहीं भी हुआ जी, दोबारा ना हो,
वो चीज़ें डाइट से, एक्सरसाइज से, योग से, या कुछ हम लोग जो ट्रीटमेंट्स कराते हैं, जिस तरह से एक्यूप्रेशर है वो मरम है एक्चुअली। बिल्कुल जी, एक्यूप्रेशर नहीं है वो मरम है। कुछ स्पेशलाइज्ड पॉइंट्स होते हैं बॉडी पे, एक्यूप्रेशर तो हमने एक नाम बना लिया, मरम चिकित्सा है। फिजियोथेरेपी की तरह कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस होती हैं, मसाज है, स्टीम बाथ है, और कुछ स्पेशलाइज्ड पोटलीज होती हैं, हर्बल पोटलीज होती हैं जी। एक शिरोधारा है, आपने देखा होगा उसका, बहुत केरल में भी ट्रेंड है। ये चीज़ों के साथ हम लोग माइंड बॉडी हील करते हैं। इसको आगे फैलाने के लिए पता लगा कि आप कुछ सेंटर्स भी अपने आपने वेलनेस सेंटर्स बनाए हैं देश में अलग अलग जगह, तो वो क्या है उसके बारे लोग जानना चाहेंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू। ये भी एक कोशिश थी, क्योंकि मैं और मेरा परिवार इस काम में बहुत सालों से जुड़ा हुआ है जी, तो एक कोशिश थी लोगों को ये मैसेज देने की कि सिर्फ ऐसे भी सिस्टम हैं जहाँ पे आप बिना महंगे महंगे हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट से, बिना केमिकल, बिना सर्जरी से ठीक हो सकते हो जी। तो हम लोगों ने कुछ साउथ के सेंटर्स से अप्रोच किया, उन लोगों ने भी बड़ा अच्छा इंटरेस्ट दिखाया, हमने सेंटर्स ले लिए एक दो। अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद है, भारत सेवक समाज है, उनके सेंटर्स ले लिए हम लोगों ने जी। वो कोर्सेज कराते हैं, एक साल के टेक्निशियल कोर्सेज हैं, 3 साल के मेडिकल कोर्सेज हैं जी। वो कोर्सेज हम लोग करा रहे हैं, अभी भी एग्ज़ाम चल रहे हैं आजकल भी उसके, बहुत बढ़िया डिप्लोमा नेचुरोपैथी योगिक साइंसेज के, ये इस तरह के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं जी। हाल ही में हमने करीबन 6 जगह पे अलग अलग शहरों में, बरनाला एक कॉलेज में हम लोगों ने शुरू करा, बहुत अच्छा जी, है जी। खन्ना एक कॉलेज में हम लोग फोर्टनाइटली कर रहे हैं इवेंट्स, उसके बाद एक रायकोट है, लुधियाना में भी हमने चैरिटेबल सेंटर्स, मंदिर गुरुद्वारों में भी, एक स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल है जहाँ पे आप लोग तो मिले ही हैं, वहाँ भी हम लोग एक छोटी कोशिश कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी। इसको जितना फैलाना चाहिए, अभी उतना तो नहीं फैलाव है, क्योंकि मेरी इच्छा ये है ये फास्ट फूड की तरह हो जाए, बिल्कुल सही, सस्ता हो जाए और इजीली अप्रोचेबल हो जाए। बिल्कुल सही है। हेल्थ केयर अभी बहुत महंगा है, और दूसरी कोशिश है इस एजुकेशन की जी। डॉक्टर बनना करोड़ों का काम है, लेकिन नेचुरोपैथी का हीलर बनना सिर्फ 15-20 हज़ार का काम है, और हम लोग उसको प्रैक्टिकल सिखा रहे हैं। उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटी है, जहाँ जहाँ सेंटर खोलेंगे बच्चों को नौकरी मिलेगी, तो इसमें भी हमें आपकी हेल्प चाहिए सर। हम तो आपके साथ हैं, हमारा चैनल वॉइस ऑफ एशियंस और पूरी टीम बिल्कुल, और एशियन क्लब आपके साथ है। फिलहाल ये कह दें कि आज की टॉक आपसे बहुत अच्छी लगी और दर्शकों ने बहुत इंजॉय किया होगा, आपने हमें बहुत कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब। हमारे एक परंपरा है कि हमारे यहाँ कार्यालय में जो भी आते हैं हम उनको एक पौधा देकर सम्मानित करते हैं, और उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि मैक्सिमम 9 प्लैनेट 9 तक तो, जैसे आप राहु से लेके मंगल से लेके राहु केतु मंगल शनि इन सभी तक आप जाते हैं 9 प्लैनेट्स, तो 10वां प्लैनेट धरती है, इसको बचाने के लिए आप प्रयास करें, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और एक पौधा आपके लिए। थैंक यू बहुत अच्छी है, थीम भी अच्छा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, मैं संभाल के रखूंगा। थैंक यू एक बार फिर से आपका धन्यवाद, और सभी दर्शकों को बता दें कि हम अपनी संस्था एशियन क्लब इंटरनेशनल की तरफ से और वॉइस ऑफ एशियंस की तरफ से बहुत जल्द एक योगा का और नेचुरोपैथी का कैंप लगाने जा रहे हैं, हमारे 30G सराबा नगर लुधियाना में होगा, जिसमें डॉक्टर लोकेश शर्मा जी विशेष तौर पर पधारेंगे और आपको राहत देंगे आपकी बीमारियों के संबंध में। तो जो लोग भी उसमें आना चाहते हैं वो भी हमें रजिस्टर करवा सकते हैं, हम ये फ्री कैंप रखेंगे, कोई इसके चार्जेस नहीं है। तो साथ ही साथ बता दें कि आपको, आप ज़रूर बताइएगा आज की टॉक कैसी लगी, अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ भी इस जानकारी को शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, आपके कमेंट्स का भी हमें इंतज़ार रहेगा। फिर मिलते हैं और नई जानकारी के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।